मैं आर्टिस्ट उर्मी गुप्ता आप सबको नमस्कार करती हूँ। मार्च में हमारा देश वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चपेट में आने वाला था, तभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता को संबोधित करते हुए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लागू करने के लिए आदेश दिया। सबको घर में रहने के लिए कहा गया। सब लोगों ने इस नियमों का पालन करा। रात को 9 बजे सबसे घंटी बजवा के एकता का प्रतीक दिखाया गया। इसके बाद 2 दिन के बाद 24 तारीख को हमारे देश जो है लॉकडाउन हो गया। सबको घर के अंदर रहने के लिए कहा कि जान है तो जहान है, घर के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए, घर से बाहर मत निकलिए। कोरोना वायरस से लड़ाई करनी है तो उससे डरिए नहीं, बल्कि आपको मास्क लगाना है, दिन में 6-7 बार 20 सेकंड साबुन से हाथ धोने हैं, सोशल डिस्टेंस रखना है और जितना हो सके अपने को सैनिटाइज कीजिए। सब लोगों ने इस व्यवस्था को माना और घर में रहने लगे। पर घर में रहने के बाद लॉकडाउन के बाद भी हम लोगों को खाने पीने की व्यवस्था में कोई कमी नहीं हुई। 2 घंटे के लिए बाजार खुलता था, घर से एक व्यक्ति जाता था घर का सामान खरीद के, रोज़मर्रा का सामान खरीद के घर के अंदर बंद हो जाता था। इस तरह से हमारा दिनचर्या चल रहा था। 4 अप्रैल को फिर हमारी सरकार ने रात को 9 बजे सबको दीपमाला के लिए कहा। सब ने रात को दिवाली की तरह 9 बजे पूरा देश हमारा प्रकाश से प्रकाशित हो गया, टॉर्च से। कहीं मोमबत्ती जल रही थी, कहीं पटाखे बज रहे थे। इस तरह से पूरा देश जो है एक खुशहाल और एक अंधकार से निकलने की कोशिश में लगा हुआ था। फिर भी हम लोगों को लॉकडाउन में रहना पड़ा कि कोरोना वायरस जो है थोड़ा सा बढ़ रहा था। पर हमारा देश जो है एक तो 130 करोड़ का है, जिसमें अलग अलग लोग के दिमाग के, अलग लोग व्यवहार के, अलग लोग रहन सहन के लोग रहने वाले हैं, जिसमें कि मजदूर वर्ग वो बेरोजगार हो गए थे, उनके लिए रहने की जगह नहीं थी, वो अपने घर अपने गांव जाना चाहते थे। वो लोग इस व्यवस्था को नहीं अपना पाए और वो सड़क पर उतर आए। फिर भी हमारी सरकार विचलित नहीं हुई, उन्होंने 1 मई को मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई, बसें चलाईं, उनके खाने पीने की व्यवस्था की, रास्ते में धर्मशालाएं, जगह जगह रहने और खाने ठहरने की व्यवस्था की गई। इस तरह से हमारा देश चलता रहा। फिर हमारी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना को की घोषणा की, जिसमें 20 लाख करोड़ की धनराशि घोषित की गई, जिसके अंदर मजदूर वर्ग, मनरेगा, फिशरमैन, हॉकर्स, किसान, लघु उद्योग और महिला जन खाता के अंतर्गत जो भी लाभ होना था धनराशि को, वो घोषित की गई। इस तरह से देश आगे बढ़ता चला गया। 25 मई को सरकार ने एयरलाइंस को भी खोल दिया विद गाइडलाइंस की, लोग सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइज के हिसाब से लोग प्लेन में आ जा सकते हैं। धीमे धीमे हमारा देश जो है थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने का आदेश मिलने लगा। लोग अपने कोरोना वायरस के विरुद्ध जो भी उनकी समझदारी थी उसी तरह से उन्होंने अपने को व्यवस्थित करके देश आगे बढ़ता चला गया और फिर हम लोग कोरोना वायरस के साथ जीने के लिए मजबूर हो गए या हमने जीने का सीख लिया। इन सब घटनाओं को मैंने सरल रेखा और रंगों के द्वारा चित्रित करने की कोशिश की है, जो कि शायद आपको पसंद आए। धन्यवाद।